अक्सर हम किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते हैं, पर कभी कभी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब हम खुद को लाचार महसूस करते हैं, जब हम बहुत कुछ व्यक्त करना चाहते हैं पर कोई समझता नहीं या फिर कोई सुनने वाला ही नहीं होता। तब हम समय और परिस्थिति के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसे में कविता एक सहारा है जो आपके हृदय के उद्गार को खुद में समा लेती है। ऐसी ही एक कविता जिसका शीर्षक है आत्मसमर्पण, आइए इसे सुनते हैं। मैं नहीं रोक पाऊंगी जो चल रहा है, सब बदल रहे हैं, सब बदल रहा है, साफ दिख रहा है, सब देख रहे हैं, अब अंधेरे से कोई डरता नहीं, कोई परवाह करता नहीं, यह ठीक नहीं जो हो रहा है, यह ठीक नहीं जो हो रहा है, मैं नहीं रोक पाऊंगी जो चल रहा है। सब भटके से लगते हैं अपने रास्तों से, इसीलिए मैं डरती हूँ कहने से बताने से, टोक कर पलट दे अगर जवाब, यह डर लगता है, इसीलिए मैं नहीं कह पाऊँगी जो मन कह रहा है। भीड़ में भी चल रही हूँ पर अकेला सा लगता है, भीड़ में भी चल रही हूँ पर अकेला सा लगता है, मैं नहीं रोक पाऊँगी जो चल रहा है। निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ, मूक दर्शक बनी एक मूर्ख हूँ, अनसुलझी पहेली हूँ या भावनाओं का एक जाल हूँ, चीखती पुकार हूँ एक अनसुनी। बादल बना यह मन बांवला सा उड़ रहा है, बादल बना यह मन बांवला सा उड़ रहा है, मैं नहीं रोक पाऊँगी जो चल रहा है, मैं नहीं रोक पाऊँगी जो चल रहा है। कभी हंसी कभी आंसू, कभी गुस्सा कभी प्यार, करते कुछ हैं चाहते कुछ और हैं, कोई कुछ कहता नहीं पर फिर भी फैला है शोर, सन्नाटा है या भूकंप है यह समझ आ नहीं रहा है, सन्नाटा है या भूकंप है यह समझ आ नहीं रहा है, मैं नहीं रोक पाऊंगी जो चल रहा है। बदलने लगा है सब कुछ मेरी आँखों के ही सामने, रूप बदल दिया है हर पुरानी चीज़ ने, रातें सुकून में कटती नहीं, दिन में भी रात है छाई, कोई समझ पाएगा नहीं शब्दों में छिपी है जो गहराई, समेट नहीं पा रही मैं जो खो रहा है बिखर रहा है, समेट नहीं पा रही मैं जो खो रहा है बिखर रहा है, मैं नहीं रोक पाऊंगी जो चल रहा है।